भगत सिंह की माँ के बारे में अक्सर माता जी को कहानी सुनाया करता था, पन्ना दाय के बारे में, और जाने कितनी अपनी वीरांगना हुई उनके बारे में बताते कि देखो कितना देश के लिए बलिदान किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने ये चीज आई, अब दादी जी को ये बात पता चली, उनको भी संकट, क्योंकि उनको देशभक्ति तो इतनी नहीं भले समझ आई लेकिन स्वाभिमान तो है। फिर उनको ये चीज समझ आई, राजीव दीक्षित का बड़ा सम्मान है हमारे घर में क्योंकि उन्होंने सबने ये चलते फिरते वीडियो सुनी है। तो केवल दादाजी को छोड़ के हमने सबको बता दिया था, दादाजी को ये बात नहीं बताई कि मैं एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उनका ये डर था कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरा पोता एयरफोर्स में लगे, मेरा प्रपोत्र एयरफोर्स में लगे, और गांव में पहला बंदा था मैं एयरफोर्स में लगने वाला, गांव में क्या आसपास के गांव में भी शायद एक दो ही हो एयरफोर्स में, मैं पहला था। तो ये उनको इसलिए नहीं बताया गया, कोई परेशानी ना उनको, तो तब बताया गया जब मैं आचार्य जी के पास आ गया था और मेरा वीडियो मतलब मेरा जो फोटो था वो डाल दिया गया था कि मैं वेद चाहे उपनयन संस्कार हो गया है। साल की उम्र में आज जब विद्यार्थियों को युवाओं को यह नहीं पता होता कि उन्हें अपने लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, तो मुझे लगता है कि इस युवा की कहानी आप तक जरूर जानी चाहिए जिसने 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी ही नहीं, फोर्स की नौकरी, बेल्ट की नौकरी, सेना की नौकरी छोड़कर एयरफोर्स की नौकरी को छोड़कर लात मार दी और उसके बाद वो निकल पड़ा है राष्ट्र की सेवा के लिए। उसे लगा कि राष्ट्र गर्त में जा रहा है और अब इस देश को इसकी जरूरत है, और वो सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, वो नौकरी छोड़कर निकल पड़ा है। आइए बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया परिवार का हिस्सा भी है ये, सुमित भाई से। आपका धन्यवाद सुमित भाई मॉडर्न इंडिया परिवार पर आने के लिए। ये मॉडर्न इंडिया परिवार से पहले भी जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे कि ये कहां से हैं, इनका परिवार कैसा है, और उसके बाद इनकी नौकरी कैसे लगी, कहां पर इनकी नौकरी लगी, कितने समय इन्होंने नौकरी की, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एयरफोर्स की नौकरी को इन्होंने छोड़ा क्यों, और इसके बाद अब राष्ट्र जो गर्त में जा रहा है तो ये राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते सभी को। एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो भी आप बता सकते हैं, पर्सनल तो हम नहीं कहेंगे, और उसके बाद किस किस तरीके से आप कहाँ कहाँ से गुजरे, आपने नौकरी कहाँ पर की, उसके बाद आगे की आपकी क्या प्लानिंग है। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि भाई जी ने पूछा तो उस हिसाब से मैं एक बुलंदशहर जिले उत्तर प्रदेश के अंदर अंबरपुर गांव का एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक पुत्र हूँ। मैं अपने पिताजी के कहने पर, पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पाऊं या कुछ अच्छा करूं, ऊंचा करूं। जो एक आम परिवार में आजकल होता है कि बेटा बड़ा होगा और नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी लगे तो और भी अच्छी बात है, तो वही उम्मीदें इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने रखी थी। जी, तो प्रारंभ में मैं कक्षा 8 तक तो अपने गांव में ही पढ़ा था, उसके बाद अपने गांव से थोड़ा दूर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक विद्यालय के अंदर मैंने 4 वर्ष तक अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक था, तो आसपास जब मैं पढ़ता था तो अपने शहर में मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाता था, तो अच्छा मैंने जब मेहनत की तो अपने स्कूल में, अपना जो विद्यालय था उसमें मतलब अच्छा स्थान मैंने प्रथम द्वितीय स्थान लगा, पहचान बना ली थी शिक्षा के दौरान, तो आसपास के लोग पहचानने लगे। उसके बाद मेरी दादी जी की बहन के एक लड़के हैं, उनकी लड़की है, उनके बच्चे कोटा राजस्थान के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, IIT की पढ़ाई करते थे, तो वहां पे वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया। बहुत हमारी मतलब सम्माननीय है क्योंकि वहीं से एक रास्ता मिला, जो हमारी बुआ जी लगती है उन्होंने बताया था, तो वहां से एक रास्ता मिला। फिर मैं वहां गया रेजिडेंस के अंदर, मैंने 1-1.5 साल वहां पे अध्ययन किया, IIT की तैयारी की। IIT की तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया, जेई मेन क्रैक भी हुआ, उसके बाद UPTU का कॉलेज भी मैंने पा लिया, उसके साथ ही एयरफोर्स में मैं भर्ती हो गया था। इस दौरान समय जो था बहुत तीव्र गति से चल रहा था, मतलब 20.5 साल के जब ये थे तो इनको सरकारी नौकरी मिल गई थी, वो भी एयरफोर्स में। जी, तो उस दौरान मैंने ये पूरा अध्ययन किया, वहां पे अध्ययन किया। मैं कभी अध्ययन को इस दिशा में रखकर नहीं करता था कि मुझे कोई नौकरी चाहिए, भले ही मेरे घर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता था कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान सबसे पहली मेरी जरूरत थी, प्राथमिकता। तो उस मैंने उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो कुछ पढ़ा पूर्ण रूप से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, पेपर में भले ही कम आएगा लेकिन मैं अच्छे तरीके से पढ़ता था।
तो वो किया। उसके बाद मैंने एयरफोर्स, पिताजी ने बोला कि बेटा ये भी एग्जाम एक दो बार दे के देख लें, तो गांव के माहौल में जैसे रहा करते हैं, तो मैंने उस हिसाब से एक दो परीक्षाएं, एसएससी का भी एक बार मुझसे भरवा दिया गया था एग्जाम, तो मैंने वो भर दिया। उस सब नेवी में भी एक बार भरवा दिया था, तो इन तीनों में मैंने भरा, तो तीनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। नेवी का उधर मैंने फिजिकल था वो भी मार दिया था, टेस्ट था वो भी क्लियर हो गया था, एसएससी वाले का परीक्षा पास हो गई थी, उसमें दौड़ थी जिस दिन, तो एयरफोर्स में मेडिकल चल रहा था। तो उस समय उसके बाद आपने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। फिर मैं एयरफोर्स में चला गया। एयरफोर्स से जाने के बाद वहां पर 2 वर्ष की ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ झेलना और सीखने के लिए मिला। वहां पे अध्ययन भी किया, जो समय मिलता अपना अध्ययन करते, बाकी ट्रेनिंग के दौरान अध्ययन के लिए समय कोई खास मिलता नहीं। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग का समय आया, उसमें मेरी ब्रांच प्रोपल्शन थी, मैंने जहाज के जो इंजन है, मतलब उस इंजन की पूरी, जैसे एक मिस्त्री किसी कार की रिपेयरिंग करता है, तो जहाज के पूरे इंजन को खोलने बांधने का जो काम होता है वो मेरी ब्रांच वो थी। कार्य करने के लिए जो एक स्थान था जहां जाना था वो चेन्नई था, तो बाकी की ट्रेनिंग मैंने लगभग 16 महीने चेन्नई में करी, तो वहां पूरा अध्ययन किया, उसको पढ़ा। वहां वैसे मैं विशेष ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जब मैं कॉलेज, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो आईआईटी के आने के बाद और कॉलेज जाने के बीच में एक अद्वितीय महापुरुष के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला। अपने आप अचानक किसी तरह मैं फॉर्म देख रहा था, तभी फॉर्म लिया था जब मैं गया था, तो वहां से जब लौट के आया था तो मेरी परीक्षा मथुरा थी जी। मथुरा में आईआईटी का एग्जाम जब मैं दे रहा था, तो उस दौरान वहां पे रहते हुए मैं ऐसी वीडियो देख रहा था, माता जी की थोड़ी आंखों में दिक्कत थी उनके लिए, कि आंखों के लिए कोई योग हो, ऐसा देख रहा था, तो राजीव दीक्षित जी की वीडियो आ गई अचानक। मैंने उस वीडियो को क्लिक किया, देखा कि भाई क्या बताते हैं, तो पानी पीने के तरीके बता रहे थे। 30 मिनट की वीडियो थी, मैंने पानी पीने का भी कोई तरीका होता है भला, एक बार देखा जाए। तो मन में ये भाव आया कि एक बार देखूं, वो खोजा तो कुछ बताया, लगा कि बात तो कुछ है। फिर और वीडियो देखी, इस तरीके से जब खोजा तो उसमें इतना डूब गया कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं, मैंने उसमें ही रह गया। उसके बाद कॉलेज में मैं चला गया KNIT सुल्तानपुर, वहां पे अध्ययन किया। कंप्यूटर साइंस से मैं BTech कर रहा था, तो उस अध्ययन के दौरान मैं वो पढ़ाई भले ही करता था, लेकिन मेरी एक मिनट भी अगर मैं क्लास छोड़ रहा हूँ और अपने हॉस्टल तक जा रहा हूँ, तो आप जागरूक हो रहे थे वीडियो देख के किसी भी उस समय भी मैं उस वीडियो को देखता रहता था। उन वीडियो को मैंने अच्छे से सुना, जीवन में जागृत किया, अगर पता चला कि अगर मैं 2-4 पैसे के लिए अपने जीवन को व्यर्थ गवा दूंगा जिसको परमात्मा ने भेजा है, तो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा, ये विचार परिपक्व होने लगे थे, लेकिन मैं अटल नहीं हुआ था। उसके बाद एयरफोर्स में भर्ती हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था वो पूरा हुआ होगा लगभग, उसके बाद मैं छोड़ के चला गया था। एयरफोर्स में रहा, वहां 2 महीने जैसा मैंने बताया कि 6 महीने की ट्रेनिंग मैंने बेलगांव में पूरी की, उसके बाद मैं चेन्नई चला गया, वहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी हुई। तो जब टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, तो उससे पहले वहां कई भी कार्य ऐसे हुए, क्योंकि जब मैंने राजीव दीक्षित जी के विचार सुने थे, तो उससे अपने हृदय के अंदर वो चीज बैठ गई कि सत्य कुछ होता है, अपना क्रांतिकारी व्यक्तित्व कुछ होना चाहिए, आदमी को हर जगह झुकना नहीं चाहिए, अपने वजूद के लिए कुछ सीखना चाहिए। तो जनगण मन जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, ऐसी कई चीजें थी, वैक्सीन कंपलसरी होती, क्योंकि जो ऑर्डर आता है उसको मानना पड़ता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब वो विचारों को इनसे मैं मिलाता, तो मेरा मन विरोध करता कि ये तो तुझे नहीं मानना चाहिए। तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए वैक्सीन का विरोध किया, जनगण मन का विरोध किया, और भी बहुत काम होते थे, युवाओं में बहुत कुछ बुराई थी, उनको भी ध्यान रखा। धीरे धीरे इस तरीके से रहा, अंततः एक दिन ऐसी बातचीत चल रही थी, पता नहीं किस तरीके से मुझे सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता चला, तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश मंगवाया, ये संदीप भाई जो अपने हैं इनसे मंगवाया, तो वो सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद पता चला कि देश और धर्म की स्थिति क्या है, वास्तव में धर्म की क्या स्थिति है, और वास्तव में धर्म का अपने समाज के अंदर क्या योगदान होता है, क्या धर्म धारण करने के अलावा जो हम पाखंड में घूम रहे हैं वो होता है, वास्तव में जीवन के कर्तव्य से भी उसका कोई संबंध है, इसको मैंने सत्यार्थ प्रकाश से समझा। ये चीजें जब आई जीवन में, तो लगा कि अब कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे विचार परिपक्व हो रहे थे, लेकिन ये नहीं आया था कि नौकरी छोड़ ही देनी, अब तक ये विचार था कि एयरफोर्स में रह के कुछ करना है, या भविष्य में एयरफोर्स में घर समृद्ध हो जाए, उसके बाद कोई एग्जाम क्रैक करेंगे, IAS वगैरह का एग्जाम क्रैक करके बाहर निकल सकते हैं, ऐसे विचार थे, और तो कोई तरीका होता नहीं है। तो ये विचार हो रहे थे, लेकिन फिर बाद में विचार आया कि IAS वगैरह का भी क्रैक करेंगे, यहाँ से छूट मिलेगी, डिग्री लेंगे, तो 7-8 वर्ष तो उसमें चले जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर जाकर अध्ययन करेंगे, 3-4-5 वर्ष वहां के लिए चाहिए, तो उम्र 35 से ऊपर ही हो जाएगी लगभग, 30-32 तो हो ही जाएगी, तो फिर उसका फायदा क्या रहेगा, क्योंकि जवानी अब है, गर्म खून अब है, शरीर के अंदर परिपक्वता आ रही है, वीर्यत्व आ रहा है, ब्रह्मचर्य आदि अब चीजें हैं, तो उसका उस समय क्या करेंगे, तो विचार थे। और ये संकल्प मैंने अपना जब मैं कॉलेज के अंदर था, तो राजीव दीक्षित जी को सुनते हुए मैंने संकल्प ले लिया था कि आजीवन मैं अपने देश के लिए समर्पित होऊंगा, एक तरीके से शादी नहीं करूंगा, ये विचार वहां बन चुका था, क्योंकि रात के 2:30 बजे तक कॉलेज में सब जगह करते, तो वो और नौजवान जो हुआ करते, नौजवान तो उनको क्या कहूँ, पतित युवा थे, तो वो क्या किया करते थे कि रात के 2 बजे तक कोई मतलब पाइप खोल रहा है हॉस्टल की, कोई हल्ला मचा रहा है, कोई गाने सुन रहा है, ये रहा करते थे,
तो सो नहीं पाते थे, जो अपना रूममेट होता था वो भी नहीं सोता था, तो जब एक कमरे में दो लाइट जले तो आप सो नहीं सकते। तो मैं अपने समय का उपयोग किया करता था या तो अपना पढ़ाई करने में, या फिर अपना आप कोई राजीव दीक्षित जी की वीडियो या कोई अन्य ग्रंथ, हंसराज सिंह रैवर की लिखी हुई भगत सिंह का जो जीवन चरित्र वो भी मैंने पढ़ा, ऐसी किताब मैंने पढ़ी, तो उससे अपने दिमाग में विचार बने। तो मैंने स्थायी विचार बना लिया कि कुछ करना तो है, लेकिन अटल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर की स्थिति को भी सुधारना था, क्योंकि वहां 10-12 लाख रुपए से ऊपर ही खर्च हुआ होगा, कोटा में रहे पूरा तो हिसाब नहीं, लेकिन उस स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि मध्यम परिवार था, माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा एक बार नौकरी मिल जाए तब कुछ करेंगे। एयरफोर्स में रहा, वहां पर ये सब चीजें की, क्रांतिकारी आंदोलन तैयार करने के लिए, माने नौजवान तैयार हों और जो अपने देश में लोग क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे इनमें लोगों को भेजा जाए, ऐसा मेरा विचार बना। अब लगा कि यहाँ पर रहकर ये काम मैं कर सकता हूँ, 2-4 नौजवानों को कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं यहाँ बद्ध हूँ वैसे और भी बद्ध रहेंगे, वो कुछ कर नहीं सकते। मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, 10 नौजवानों को मैं दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यापक रूप में कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा, नहीं दे सकते, आप बाहर भी नहीं आ सकते, आप बुकआउट से बाहर भी रहते हो या लेकर भी आते हो तो ज्यादा समय के लिए नहीं आ सकते जी। तो बहुत कुछ बंदे सोने की वजह से मैंने सोचा कि अंततः अब नौकरी छोड़नी चाहिए। ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये इतना सहज नहीं था करने के लिए, ये मैं आपको हम समझ सकते हैं। इसमें 4-4 घंटे भी किसी किसी दिन वैराग्य में चले जाते, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे भी सोचता ही रहता, किसी दिन तो किताब ही नहीं खोलता। हालांकि कभी फेल होने का तो ऐसा नहीं हुआ, पढ़ता बहुत कम था, 10-15-20-25-30 मिनट किसी दिन 3-4 घंटे लगातार भी पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मन में यही वैराग्य रहता कि करना क्या जीवन में, क्या 50-60-70 हजार रुपए के ऊपर मैं यहाँ खप जाऊं और अपने जीवन की जो अनमोलता जिसके लिए परमात्मा ने जीवन दिया उसको छोड़ दूं, या कुछ गणित के सूत्र मेरे जीवन के लिए इसलिए बन गए कि मेरे संपूर्ण जीवन को उसमें खपा जाऊं। तो ये जब मैं सोचा करता था तो मन में विचार आया कि जीवन में कुछ करना तो चाहिए, तो इस तरह के विचार बने। मैंने अंत में निर्णय लिया और पिताजी को ये बात बताई, और पिताजी ने ये बात सुनी तो पिताजी को तो बड़ा एक साथ झटका लगा, पिताजी ने के साथ माताजी भी थी उनको भी ये बात पता चली, बताया तो एक साथ नहीं था लेकिन बता रहा, अब मुझे भी वो ध्यान नहीं मैंने कैसे बताया, लेकिन जब बताया था तो घर वालों को एक साथ झटका लगा, रोना, दादी जी भी माताजी भी सभी बहुत परेशान हुए और लंबे समय तक। जैसे मैं आपको रोक रहा हूँ, जो आपने ये निर्णय कर लिया था और घर वालों के सामने रखा, तो आपने इससे पहले सोचा क्या था कि अब राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि वो अभी बीच में हिस्सा आया नहीं है। मैंने ये सोचा था कि राजीव दीक्षित जी ने जो मार्ग बताया है, अगर भारतीयता को स्थापित करना है, इस गांव की व्यवस्था को स्थापित करना है, अगर अपने गांव ये रहे, बचे हुए रहे, जो संस्कृति गांव की ऐसी संस्कृति है उसमें एक दूसरे के प्रति पवित्रता का भाव है, आपका कोई कार्य होना तो पूरा समाज आपका योगदान करेगा, वो टूट रहा है आज, 5-5 रुपए के लिए एक दूसरी गर्दन काटी जा रही है, ऐसी स्थिति बन गई है, 5 रुपए में व्यक्ति नहीं मरेगा लेकिन एक अहम भाव जो घमंड भाव है, प्यार प्रेम, ये सब कुछ खत्म हो गया, उसको कम शब्दों में तो नहीं एक्सप्लेन किया जाता, एक तो ये विचार। दूसरा, आचार्य अग्निव्रतन स्टिक जी हैं जिनके पास इस समय मैं हूँ, तो उनको मैंने सुना था, उनकी भी ऐसी कोई YouTube पर वीडियो है, उनको मैंने सुना, तो देखा कि जब अपने वेदों के अंदर इतना गूढ़ विज्ञान है जिसको आज के साइंटिस्ट नहीं पकड़ पा रहे, स्टीफन हॉकिंग नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके ऊपर अब से न्यूटन से लेकर अब तक के सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मिथ्या कल्पनाओं को दे जाते हैं। विज्ञान में भी इसी तरह का अंधविश्वास है जो समाज में अंधविश्वास है। आप समाज में जिन व्यक्तियों को हम कहते हैं कि ये व्यक्ति धर्म के बारे में नहीं जानते, तो वो तो बेचारे इसलिए नहीं जानते, वो तो अनपढ़ है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में तो पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक है उनमें भी 10-10 थ्योरी है एक ही विषय पर, तो इस तरह का अंधविश्वास है। और वहीं पर वैदिक थ्योरी ये बताती है कि वास्तव में वेद क्या है और वेद के द्वारा किस तरीके से ब्रह्मांड को जाना जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज आप अपने तो जीवन में ये दो विचार हुए राजीव भाई की और आचार्य अग्निव्रत जी नास्तिक जी के सानिध्य में आने, आपने सोचा कि उनके पास मैं जाऊंगा और स्वाध्याय करूंगा। हाँ, उनके पास जाऊंगा, क्योंकि वो जो किताब थी वो तो मैंने एयरफोर्स में मंगवा ली थी, मैं पढ़ता था, युवाओं को पढ़ाता था, मेरे जो छोटे भाई थे मेरे साथ के जो थे मेरे दोस्त उनको मैं पढ़ाया करता था, आपस में हम मिलजुल कर चर्चा किया करते इन विषयों पर, तो ये मुझे पता था कि मैं पूरा कर लूंगा, लेकिन एक किताब से जो सच्चा ज्ञान मिल सकता है वो गुरु के बिना नहीं मिल सकता, माने उन्होंने जो किताब लिखी है उसको पूर्ण समझना तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो अब ये निर्णय अटल हो चुका था कि मुझे नौकरी जो है छोड़ देनी है और आचार्य अग्निव्रत नास्तिक जी के सानिध्य में जाना है। हाँ, ये उसके बाद धीरे धीरे घर वाले भी राजी हो गए, वो आपके साथ आ गए उसके बाद। हाँ, ये निर्णय अटल तो हो चुका था, लेकिन ये मैंने सोच तो पिछले 4 महीने से मैं इस बात को सोचा, आचार्य जी के मैं जो आचार्य अग्निव्रत नास्तिक है उनके कार्यक्रम में आया था पिछली बार, वहां से धीरे धीरे विचार बना, एक साथ नहीं बना, एयरफोर्स में पहुंचने के बाद धीरे धीरे जब किताब पढ़ने लगा, वो जो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है उसको मैंने पढ़ा, पूर्व पीठिका को मैंने पूरा पढ़ा, तो मेरे दिमाग विचार ऐसे बनने लगे वास्तव में कुछ तो है इसके अंदर, और मैं आधुनिक विज्ञान को भी थोड़ा पढ़ के आया था अच्छे तरीके से, तो दोनों में तुलना करता था तो लगता था वास्तव में कुछ तो है, कुछ तो है।
तो यही विचार जब परिपक्व हुए तो घर वालों में तो परेशानी थी, पिताजी ने तो एक बार कहा था कि तू जो कर रहा है गलत है, लेकिन जब मैंने कहा कि पिताजी यही है और समाज, क्योंकि मैं जब घर में रहता था तो जो मेरे विचार होते उनमें घर वालों को मैं पिरो लेता था, माने मैं पिताजी के साथ रात को 10 मिनट बैठ रहा हूँ तो वीडियो राजीव दीक्षित चला के मैं लगा लेता था ताकि विचारों में समता आए। उन्होंने उस चीज को समझा, उन्होंने मार्ग तो एकदम अच्छा है, अगर हम स्वार्थ से ऊपर उठे तो हो सकता है। और मेरे पिताजी वास्तव में एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, त्याग उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसी तेरी इच्छा तू कर। थोड़ा दिन पे पत्थर रखा, घर में थोड़ी परेशानी थी, उन्होंने बोला तेरी अगर ऐसी इच्छा तो इसमें फंसे तो ठीक है। माता जी भी सहमत, क्योंकि भगत सिंह की माँ के बारे में अक्सर माता जी को कहानी सुनाया करता था, पन्ना दाय के बारे में और जाने कितनी अपनी वीरांगना हुई उनके बारे में बताते कि देखो कितना देश के लिए बलिदान किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने ये चीज आई, अब दादी जी को ये बात पता चली, उनको भी संकट, क्योंकि उनको देशभक्ति तो इतनी नहीं भले समझ आई लेकिन स्वाभिमान तो है। फिर उनको ये चीज समझ आई, राजीव दीक्षित का बड़ा सम्मान है हमारे घर में क्योंकि उन्होंने सबने ये चलते फिरते वीडियो सुनी है, तो केवल दादाजी को छोड़ के हमने सबको बता दिया था। दादाजी को ये बात नहीं बताई कि मैं एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उनका ये डर था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरा पोता एयरफोर्स में लगे, मेरा प्रपोत्र एयरफोर्स में लगे, और गांव में पहला बंदा था मैं एयरफोर्स में लगने वाला, गांव में क्या आसपास के गांव में भी शायद एक दो ही हो एयरफोर्स में, मैं पहला था। तो ये उनको इसलिए नहीं बताया गया कोई परेशानी ना, उनको तो तब बताया गया जब मैं आचार्य जी के पास आ गया था और मेरा वीडियो मतलब मेरा जो फोटो था वो डाल दिया गया था कि मैं वेद क्या अपने संस्कार हो गया। तो इन सब विचारों के द्वारा मैंने अपना एयरफोर्स को त्यागा, आचार्य जी के पास आया। मूल विचारधारा ये थी कि मैं वहां पर जाकर ज्ञान लूं, और ज्ञान लेकर जो वैदिक परंपरा है जो हजारों साल से जो हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं, तत्सद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थ, इस तरीके से हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं, तो इसमें जो ये कर्म 96 करोड़ की अवधि आती है, इतने समय से जो वेदों के आधार पर अपने ऋषि महर्षियों के आधार पर जो परंपरा चलती आ रही है, आर्यभट्ट, 12 मेहर और चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो थे उनसे पहले मध्यकाल तक जितने आचार्य, और उसके बाद महर्षि स्वामी दयानंद आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने जिस परंपरा को अपनाया, क्यों, कारण क्या है। तो जब मन में विचार आया कि इन्होंने भी पेट में 2 रोटी खाई, सब कुछ इन्होंने किया, शरीर भी इनके पास सब था, मैं ऐसा क्या विशेष कर लूंगा यार, तो ये विचार मन में कौन दे, तो मैंने कहा इस क्षेत्र में उतरना ही चाहिए। तब मैंने नौकरी को छोड़ा, त्याग पत्र दिया, फिर वहां भी बहुत संकट आए, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट में घुसने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है आप उतना मान लो उतना ही निकलने के लिए करना पड़ता है, और शायद घुसने में उतना ना करना पड़ता जितना निकलने में करना पड़ता है, जो मैंने सहा है। क्योंकि पहले तो एक यूनिट के अंदर जितने अफसर है उनसे प्रत्येक से बातचीत, यूनिट के सारे अफसरों से एक साथ बातचीत, फिर स्टेशन के सारे अफसर एक साथ आपसे पूछेंगे, अलग अलग पूछेंगे, माने बहुत कुछ संकट उसमें आते हैं। हालांकि आपकी अगर बात एकदम मतलब अद्वितीय, आप कोई काम कर रहे हैं और वास्तव में वो सच्चा है, व्यक्ति को सामने समझ आए तो वो समर्थन भी करते हैं, जैसा मेरा किया भी था। थोड़ी बहुत भिन्नता फैली लेकिन उसके बावजूद भी जो अफसर थे जो समझने वाले थे उन्होंने इस चीज को समझा भी। तो मैंने अंततः नौकरी बाद में छोड़ी, 1-1.5 महीने लगभग नवम्बर में आ गया था, नवंबर के 22-23 नवंबर को मैं घर आ गया, तो उसके बाद आचार्य जी के पास आया, उसमें मैं अध्ययन करता रहा। ये तो अभी आपका कितना समय आप और अध्ययन करेंगे, और उसके बाद समाज के लिए जो आपने कहा है वो कब निकलेंगे? मेरा ऐसा विचार है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा है और आचार्य जी हमें अक्सर बताते रहते हैं कि कोई व्यक्ति समाज का कल्याण तब कर सकता है जब वे स्वयं का पहले कल्याण कर ले, यानी मतलब वो आत्मिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत हो कि समाज को कुछ दे सके, जब अपने पास कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ये मेरा विचार है कि पहले मैं शारीरिक रूप से थोड़ा बलिष्ठ बनूं, ब्रह्मचर्य आदि को परिपक्व करके अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करूं, और जो अपना ज्ञान है मैं किसी को स्वाध्याय के द्वारा अपने ग्रंथ है उनको मैं अध्ययन करके समाज को वही तो बता पाऊंगा। भाई हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, सूखी बात किसी को बताने से स्थायित्व नहीं बनता, कितने समय के लिए हम बताएंगे। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, जीरो बताई, ये चीज आज के समय में उस महत्व की नहीं है जो समाज की आज स्थिति है, इसलिए अध्ययन मैं केवल इस बात को बताकर अपने समाज को नहीं जोड़ सकता। आज यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे क्वांटम फिजिक्स पर काम कर रहे हैं उनको ये बात बतानी जरूरी है कि जिस पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से जो तुम्हारी क्वांटम फिजिक्स आई है उसको तुम अध्ययन करो, और वेद के अंदर जो क्वांटम फिजिक्स है उसको अध्ययन करो, उससे कितने लेयर पीछे तक हो जाती है, कितनी डीप स्टडी तुम्हें बताती है, और तुम्हारे जो एटमोस्फियर है, तुम्हारा जो कॉस्मोस है उसको तो बताती है, साथ में तुम्हारी इंटरनल बॉडी को भी बताती है। तो इन सब चीजों की जो व्याख्या करती है, जो समग्र रूप से सर्वांगीण रूप से चीजों को लेकर चलती है, इन सब विषयों की वजह से मैं पहले स्वाध्याय को महत्व दे रहा हूँ, आचार्य जी के सानिध्य मेरे को अध्ययन करूँ, इन चीजों को समझूं, उसके बाद फिर कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, कर्म क्षेत्र में उतरने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी तो अपने चरित्र में बल होना कई चीजों में बच जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि चीजें एक ओपन बुक की तरह है, खुली किताब की तरह है इस वीडियो के बाद, और करना तो मुश्किल ही है। एक नौकरी छोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम सी नौकरी छोड़ने के लिए धरती भीड़ी पड़ जाती है और ये विचार नहीं आता है कि किस तरीके से छोड़े। तो इस भाई ने तो वो काम किया है जो विरला ही कोई
युवा कर सकता है, और जो काम मुझे लगता है कि उस समय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल करते थे, ये युवा उसकी ओर चल रहा है। वैदिक फिजिक्स से ये जुड़े हुए हैं, आचार्य अग्निव्रत नैस्टिक जी के सानिध्य में अब ये स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग उनसे जरूर जुड़े होंगे, जो व्यक्ति नहीं जुड़ा है तो वो वैदिक फिजिक्स को जरूर सपोर्ट करे, एक बार उन्हें देखे, खासकर वो लोग जो फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो साइंटिस्ट हैं और जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, वो एक बार उनको जरूर सुने और वेद विज्ञान आलोक को एक बार जरूर पढ़े।